हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप सभी लोग वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ करते होंगे और आप हर बार एक न्यू वाइट बोर्ड मार्कर परचेज करते होंगे जब भी ये चलना बंद हो जाता होगा। हम सभी लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम हर बार वाइट बोर्ड मार्कर खरीद के लाते हैं और जैसे ही वो चलना बंद हो जाता है या लाइट हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं। हम कभी भी ध्यान से नहीं देखते कि उस पर बहुत ही हल्का सा एक लिखा होता है रिफिलेबल। इसका मतलब ये है कि हम इसको दोबारा से इसमें इंक को रिफिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बारीक लिखा हुआ है और हम लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता है और हम लोग सोचते हैं कि ये वाइट बोर्ड मार्कर जो है वेस्ट हो गया है और अब इसको फेंक देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इस वाइट बोर्ड मार्कर को फिर दोबारा से कैसे रिफिल कर सकते हैं और उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसको कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये वाइट बोर्ड मार्कर है फ्लेयर का, किसी भी ब्रांड का आपके पास हो सकता है, और ये वाइट बोर्ड मार्कर चलना बंद हो गया है यूज़ करने के बाद। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली इसके रिफिलेबल इंक्स मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रांड का चूज़ कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने सेलो का लिया है। सो ब्लू एंड ब्लैक, आपको ब्लू ब्लैक किसी भी कलर का, जिस कलर का आपका वाइट बोर्ड मार्कर है उस कलर का आपको मिल जाएगा, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इसका रेट जो है 30 रुपीज़ पर पैकेट है, राइट। और ये न्यू वाइट बोर्ड मार्कर आप हर बार परचेज करने जाएंगे तो 20 to 30 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ेगा इसका। सो ये वाइट बोर्ड मार्कर परचेज करने की बजाय आप इसको रिफिल कर सकते हैं। मैं ये ब्लैक वाइट बोर्ड मार्कर है, इसको चलाना है तो इसको सबसे पहले खोलने का जो तरीका है, देखिए ये वाइट बोर्ड मार्कर कभी ऐसे नहीं खुलेगा, राइट। ये वाइट बोर्ड मार्कर को खोलने के लिए आपको कई सारे वाइट बोर्ड मार्कर पे यहाँ पे एरो दिया होता है जिस पे लिखा होता है कि इस तरफ आपको घुमाना है जिससे कि ये खुल जाएगा, बट इस वाले फ्लेयर वाले वाइट बोर्ड मार्कर में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। सो इसको खोलने का तरीका है, ऐसे घुमाएंगे, राइट। तो आपको कैसे घुमाना है, ऐसे, और इसको घुमाने के बाद ये इजीली खुल जाएगा। और खुलने के बाद जो इसके अंदर का जो इंक होल्डर है उसको हमें बाहर नहीं निकालना है। बाहर निकालेंगे तो फिर आपके हाथ भी गंदे होंगे और उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको सबसे पहले हमने खोल लिया है, तो चलिए अब इसमें हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक ले लेते हैं, इसको खोलना पड़ेगा। और ये जो डब्बी होती है ये पूरी सील पैक्ड होती है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा और इसमें एक छोटा सा छेद भी करना पड़ेगा। सो ये सील पैक्ड है, इसको हमने खोल लिया, बट अभी इसमें क्या है कि इसमें छेद नहीं है, तो इसमें हमें हल्की सी सुई से इसको छेद कर लेते हैं। आप कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं और इससे इसमें हल्का सा छेद करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे जिससे कि इंक बहुत ही ज़्यादा बाहर निकलने लग जाएगा। तो इसको हम छेद कर लेते हैं। सो अब इसमें छेद हो चुका है, राइट। अब हमने जो वाइट बोर्ड मार्कर को ओपन किया था इसमें हम 10 से 15 बूंद इसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे, इसके मिडिल में, राइट। अब इसको हल्के से हम वापस बंद कर लेंगे। बंद हो गया है, इसके बाद इसका ढक्कन हम बंद करेंगे और इसको शेक कर लेंगे, या आप कुछ देर के लिए इसको ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि इंक पूरे सिरिंज में फैल जाएगा। और शेक करने के बाद फिर हम चला के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये चलना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा ये लाइट है, इसको हम थोड़ी देर जब छोड़ देंगे तो ये चलना फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम सिर्फ 30 रुपीज़ में फिर से हम अपने वाइट बोर्ड मार्कर को फिर दोबारा से वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। और आप इस इंक को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सफिशिएंट इंक होती है। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसका 30 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो 30 रुपीज़ में आप फिर दोबारा से अपने वाइट बोर्ड मार्कर को कम से कम
5 से 6 बार रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी।